नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 17 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से दर्शकों के अंदर इसे देखने का जबरदस्त क्रेज था। हालांकि इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में मार्वल स्टूडियोज की मच अवेटेड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है। ना सिर्फ कमाई कर रही है बल्कि कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। बता दें कि पुष्पा ने पहले दिन हिंदी वर्जन में बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन 4 करोड़ और तीसरे दिन फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ पुष्पा ने हिंदी वर्जन में अपने पहले वीकेंड पर 12 करोड़ की कमाई कर ली। साथ ही अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने एक बार फिर यश की फिल्म KGF को मात दी। हाल ही में हमने आपको बताया था कि पुष्पा ने पहले दिन हिंदी वर्जन में KGF से ज्यादा कमाई कर उसे मात दे दी है और अब वीकेंड कलेक्शन के मामले में भी KGF को हार का स्वाद चखना पड़ा है। बता दें कि KGF ने अपने पहले वीकेंड में 9.2 करोड़ की कमाई की थी। दोनों ही फिल्मों के आंकड़ों में भले ही थोड़ा ही अंतर हो, लेकिन पुष्पा ने KGF को मात दे दी। बता दें कि फिल्म पुष्पा का डायरेक्शन सुकुमार ने किया है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शक बेहद पसंद करते हैं। मेकर्स की नजरें इस समय फिल्म की कमाई पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म को लेकर दर्शकों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। 5 भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म को हर जगह से प्यार मिल रहा है। फिल्म में एक्शन के साथ साथ रोमांस का तड़का तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस समांथा ने भी अपने आइटम सॉन्ग से लोगों का दिल जीत लिया है। वहीं बात करें KGF की तो इस फिल्म का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था, जिसे प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। वहीं साल 2022 में KGF 2 रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में यश के साथ साथ इस बार संजय दत्त और रवीना टंडन भी दिखाई देंगे। खैर, फिलहाल तो आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि पुष्पा को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं।